नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। मेरा नाम है शंकर और अभी हम बात कर रहे हैं ऑल न्यू रेनो क्विड के बारे में। रेनो क्विड के बारे में हम अभी कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं आज। अभी यहाँ पे जो मॉडल देख रहे हैं रेनो क्विड का, ये इसका RXT मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल, जिसके हम ओवरऑल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। रेनो क्विड में आपको टोटल दो इंजन्स के ऑप्शन मिलते हैं, 800cc पेट्रोल और 1000cc पेट्रोल का। अभी यहाँ पे जो मॉडल देख रहे हैं रेनो क्विड का, ये इसका RXT मॉडल है, जिसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो 5 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस है इस वाले मॉडल की, जिसमें कुछ ऐसी की आपको मिलती है। रेनो की बैजिंग आती है पीछे और की में आपको दो बटन्स मिलते हैं, लॉक और अनलॉक के इसमें दो बटन आते हैं। काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ ही की आती है। और ये कुछ आप फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं रेनो क्विड का, इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशंस के ऑप्शन मिलेंगे। बाकी फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखते हैं रेनो क्विड का, काफ़ी अट्रैक्टिव और एक पूरा आपको SUV स्टांस डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है रेनो क्विड का। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके LED डायल्स है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन लुक्स आपको इसमें ऑफर किए गए हैं रेनो क्विड में। बाकी अगर आप फ्रंट डिज़ाइन देखते हैं तो ये कुछ इसके टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं नीचे की तरफ। ये आप देख रहे हैं टर्न इंडिकेटर्स, DRLs आपको पूरे यहाँ पर मिलते हैं, डेरियम रनिंग लाइट्स, जो एक बहुत ही बेहतरीन रोड प्रेजेंस देती है रेनो क्विड को। फ्रंट ग्रिल भी अगर आप देखते हैं तो फुल ब्लैक फिनिश के अंदर फ्रंट ग्रिल आती है। रेनो की बैजिंग आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ। ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं हैलोजन में, इसमें हेडलैम्प्स आते हैं लो और हाई बीम के साथ। ये कुछ हेडलैम्प असेंबली का डिज़ाइन आप देख रहे हैं। नीचे भी अगर आप देखते हैं रेगुलेटर ग्रिल फुल ब्लैक फिनिश में आपको मिलती है, जो रोड प्रेजेंस आपको रेनो क्विड देती है। सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है जो इससे इसके लुक्स के साथ कॉम्पिटिट कर पाती है। अगर आप साइज़ की भी बात करें, रेनो क्विड की जो साइज़ है 3.7 मीटर ओवरऑल लेंथ है। अगर आप अल्टो से भी इससे कम्पिटिट करते हैं, अल्टो की जो साइज़ आती है 3.4 मीटर है, लेकिन रेनो क्विड की जो साइज़ है 3.7 मीटर आपको मिलती है। सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी आप इसे कह सकते हैं। बाकी ये कुछ साइड प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं रेनो क्विड का। रेनो क्विड में आपको 800cc पेट्रोल और 1000cc पेट्रोल दो इंजन के ऑप्शन यहाँ पर ऑफर किए गए। AMT का भी आपको ऑप्शन रेनो क्विड के अंदर मिलता है। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पर देखते तो ये कुछ वाइपर्स आप देख पा रहे हैं, वाशर्स के साथ ही आते हैं, जेट वाशर आपको मिलता है। एक ही वाइपर है लेकिन पूरी विंडशील्ड क्लीन कर देता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं सिल्वर फिनिश के अंदर ओवर बीएम्स आप ये कुछ देख पा रहे हैं, सिल्वर फिनिश के अंदर आते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये कुछ इसके टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर आते हैं, पूरी आपको व्हील आर्चेस यहाँ पर दिए गए बॉडी के ऊपर, जो एक काफ़ी मतलब बड़ी थिक साइज़ में आते हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन रोड प्रेजेंस ऑफर करती है रेनो क्विड को। टायर साइज़ की अगर बात करें तो इसमें आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स यहाँ पर दिए गए, प्लास्टिक रिकल्स के साथ ही स्टील व्हील्स आते हैं। रेनो की बैजिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सस्पेंशन का ट्रैवल की भी अगर बात करें तो कुछ ये ट्रैवल आप देख पा रहे हैं, कुछ इतने ट्रैवल आपको मिलती है, बेहतरीन स्टेबिलिटी आपको ऑफर करती है रेनो क्विड। साइड में भी अगर आप देखते हैं तो पूरी आपको यहाँ पर स्टिकर्स दिए गए। 1 लीटर की बैजिंग आप देख रहे हैं, 1 लीटर इंजन के साथ ही आ रही है। 800cc का भी आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी सेफ्टी की भी अगर बात करें तो ये RXT मॉडल है इसका, सेकंड टॉप मॉडल, जिसमें आपको ABS, EBD, हाई स्पीड वार्निंग, स्पीड अलर्ट सिस्टम और टोटल आपको इसमें 2 एयरबैग्स ऑफर की गई है। बाकी ये कुछ बैक प्रोफाइल हम अभी देखते हैं। RXT की बैजिंग आपको मिलती है, ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल आपको मिलते हैं। ये कुछ बैक का प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं रेनो क्विड का, काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन लगता है इसका। पीछे की तरफ से भी अगर आप इसे देखते हैं, एक मस्कुलर और SUV स्टांस आपको पूरा लुक दिया हुआ है रेनो क्विड का। ग्राउंड क्लियरेंस की भी अगर बात करें, 184mm का आपको ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है रेनो क्विड। सेगमेंट में सबसे बेहतरीन आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया हुआ है। बाकी पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिलते हैं, 3 पार्किंग सेंसर इसमें आते हैं। रिवर्स कैमरा आप ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेस्ट इन सेगमेंट आपको इसमें रिवर्स कैमरा भी ऑफर किया हुआ है। ऊपर की तरफ ये हाई माउंट स्टॉप लाइट आपको मिलता है और इसका हम टेलगेट अभी खोल कर देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं EGR की बैजिंग आपको मिलती है। बाकी बूट स्पेस की भी अगर बात करें, 279 लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस जो कुछ है ऑफर किया हुआ है। पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पर मिलता है, जिसे आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर 12V का चार्जिंग पोर्ट भी ऑफर किया हुआ है। बाकी आप इन सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हो, फोल्डेबल सीट्स है ये। ये जो आप देख रहे हैं, इस लीवर के थ्रू आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो, फोल्डेबल आपको सीट्स यहाँ पर कुछ ऑफर की गई है। बाकी बंद करते हैं इसका टेलगेट। और साइड की अगर बात करें, 3.7 मीटर ओवरऑल लेंथ है रेनो क्विड की। साइड से भी काफ़ी मस्कुलर और
बॉडी क्लैडिंग आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। डोर्स का डिज़ाइन भी अगर आप देखते हैं, काफ़ी बल्कि डिज़ाइन आपको लगेगा रेनो क्विड का। आपको इसमें 28 लीटर्स का फ्यूल टैंक यहाँ पर जो कुछ है ऑफर किया हुआ है। बाकी आइए अब ड्राइवर साइड डोर को खोल कर देखते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। तो ड्राइवर साइड डोर का अगर डिज़ाइन आप देखते हैं तो फुल ब्लैक फिनिश के अंदर ड्राइवर साइड डोर आपको डिज़ाइन मिलता है। यहाँ से मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, मिरर एडजस्ट करने के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलते हैं। ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल है, यहाँ से आप सेंट्रल लॉकिंग को कर सकते हैं। ग्लास डोर्स के लिए जगह और यहाँ पर भी आपको काफ़ी जगह दी गई है। बाकी यह कुछ फ्रंट डैशबोर्ड का डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं रेनो क्विड का, काफ़ी प्रीमियम ही लगती है, बेस्ट इन क्लास। आपको इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन यहाँ पर ऑफर किया हुआ है, जिसके हम अंदर बैठकर बात करते हैं। फ्रंट सीट्स का भी अगर आप डिज़ाइन देखते हैं, फुल फैब्रिक रेड सीट्स आपको मिलती है, रेड इंसर्ट्स के साथ। ये कुछ आप रेड स्टिचिंग को देख रहे हैं, जो एक प्रीमियम लुक आपको ऑफर करती है। यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं आप सीट्स को। बाकी नीचे अगर आप यहाँ पर देखते हैं, फ्यूल लिड खोलने का ओपनर है और पीछे का टेलगेट खोलने का ओपनर आपको मिलता है। या से आप फ्रंट बोनेट को खोल सकते हो। आइए अब अंदर बैठते हैं और इसे हम स्टार्ट करके देखते हैं। ये इसका AMT ट्रांसमिशन है, जिसे हम अभी न्यूट्रल में करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये कुछ है, की फॉब को आप देख रहे हैं। ये कुछ हमने स्टार्ट कर लिया रेनो क्विड को। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी अगर आप देखते हैं, प्रीमियम लगती है, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें ऑफर की गई है। ये कुछ डिज़ाइन है क्विड की, बैजिंग यहाँ पर आती है। ग्रिप काफ़ी अच्छी आपको मिलती है स्टेयरिंग व्हील की। रेनो की बैजिंग यहाँ पर आती है। हॉर्न कुछ ये आपने देखी अभी, क्रोम फिनिश यहाँ पर दी गई है। इस तरफ ये वाइपर्स का कंट्रोल आपको मिलते हैं। वाइपर का अगर थ्रो आप देखना चाहते हैं तो ये कुछ आप देख पा रहे हैं, पूरी विंडशील्ड वाइपर जो है क्लीन कर देता है। कुछ ऐसे पोजिशन पर आप बैठते हैं रेनो क्विड में, बोनेट आपको अच्छी तरीके से विजिबल होता है रेनो क्विड का। बाकी ये इसका रियर व्यू मिरर आप देख रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखते हैं वाइपर्स के कंट्रोल है, इस तरफ ये फ्रंट हेडलैम्प्स के कंट्रोल है। अंदर की तरफ अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये इसका RPM मीटर है, डिजिटल RPM आता है। और MID जो है आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, MID के अंदर आपको ये डिजिटल स्पीड दिखा रहा है, न्यूट्रल पोजिशन में अभी दिखा रहा है, किलोमीटर और फ्यूल कंजम्पशन के बारे में आपको ये बताएगा। बाकी ये कुछ लीटर एवरेज शो कर रहा है, एवरेज फ्यूल डिस्टेंस, ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे फीचर आपको ये शो करेगा। इस तरफ ये टेम्परेचर है ऊपर और ये फ्यूल लेवल आपको दिखाएगा। बाकी हॉर्न मैंने आपको दिखाई, इस तरफ ये अगर आप देखते हैं ऐसे वेंट्स का डिज़ाइन आपको फुल ब्लैक फिनिश के अंदर मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर रहता है, प्रीमियम लगती है काफ़ी। ऐसे वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। बाकी ये इसका 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आपको दो स्पीकर्स मिलते हैं। ये जो स्पीकर्स की प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कुछ स्पीकर्स की प्लेसमेंट है, एक यहाँ पर आता है और एक इस तरफ आता है। यहाँ पर आपको दो स्पीकर्स मिलते हैं। 8 इंच का टच स्क्रीन है ये, जिसमें अभी पासवर्ड डाला हुआ है कुछ तो, जो कि मुझे पता नहीं है। लेकिन आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है, ब्लूटूथ भी ये सपोर्ट करता है। आप इसमें नेविगेशन को भी चला सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू मोबाइल को कनेक्ट करके। ये जो बटन्स आप देख रहे हैं ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। ये जो दो बटन्स है ये फ्रंट दो पावर विंडोज़ के बटन है। आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं, दो सामने दो पीछे की तरफ आपको मिलते हैं। बाकी ये जो बटन्स आप देख रहे हैं ये लॉक ऑन लॉक के बटन्स है, हेजार्ड लाइट्स के बटन है। नीचे अगर आप यहाँ पर देखते तो AC के बटन्स आपको मिलते हैं, AC के रिलेटेड कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। ये कुछ कंट्रोल्स आप देख पा रहे हैं AC के रिलेटेड। नीचे अगर आप यहाँ पर देखते 12V का चार्जिंग पोर्ट है, ऑक्स का पोर्ट है और USB का पोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। ये इसका AMT ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको मिलता है। AMT जो ट्रांसमिशन है आपको सिर्फ 1000cc पेट्रोल में ही मिलेगा, 800cc में AMT का ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप मेरी सीट देखें तो ये कुछ आप ऐसी पोजिशन पर बैठते हैं, कुछ इतना हेडरूम आपके पास है अवेलेबल रेनो क्विड का। काफ़ी मतलब स्पेसियस आपको लगेगी इसकी कैबिन। ये इसका ग्लो बॉक्स है, जिसके अंदर काफ़ी स्पेस आपको मिलती है, काफ़ी बड़ा है। और ये जो आप देख रहे हैं इसी वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पैसेंजर साइड वैनिटी है, लाइट्स के सभी कंट्रोल से माइक यहाँ पर आता है। इसे बंद करते हैं और हम अभी चलते हैं पीछे की सीट्स पर, देखते वहाँ पर अभी कितनी स्पेस अवेलेबल है।
आइए अब पीछे का डोर खोल कर देखते हैं। पीछे का जो डोर है उसके ऊपर आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं और पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलेंगे। पावर विंडोज़ आती है पीछे की। बाकी ये कुछ आप देख पा रहे हैं पीछे की सीट्स का डिज़ाइन। हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, इसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट आते हैं। बाकी अंदर बैठते हैं और स्पेस अगर आप देखें तो कुछ ये आप स्पेस देख रहे हैं, कंफर्टेबल स्पेस है। पैरों को भी आप अंदर की तरफ ऐसे फैला सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, ये आर्मरेस्ट जो है क्लाइंबर मॉडल के अंदर आता है। बाकी पीछे आपको पार्सल ट्रे भी यहाँ पर दिया हुआ है। पीछे से कुछ ऐसा व्यू आपको दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड का, रेनो क्विड का। बेस्ट इन क्लास आपको इसमें म्यूज़िक सिस्टम ऑफर किया हुआ है, क्विड की बैजिंग आती है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं मॉडल, ये इसका क्लाइंबर मॉडल है जिसका रिव्यू आपको ऊपर आई बटन के अंदर अभी शो हो रहा होगा, इसका भी आपको रिव्यू देख सकते हैं। ये इसका टॉप मॉडल है जिसमें आपको कॉस्मेटिक चेंजेस मिलती है, यानी कि ये जो ऑरेंज इंसर्ट आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत आपको इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस मिलती है, जैसे कि इसके व्हील्स भी अलग है इस मॉडल के मुकाबले। बाकी ये इसका सेकंड टॉप मॉडल था जो मैंने आपको अभी बताया। बाकी कैसी लगी दोस्तों आपको ऑल न्यू रेनो क्विड, आप बताइए हमें नीचे कॉमेंट्स में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।